Hello friends, subscribe to my channel High Skills and also press on the bell icon to watch my latest informative videos. Hello friends, welcome to my channel High Skills. Friends, आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है. क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो है दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. अगर आप भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो हैं वो सेम टर्म हैं, लेकिन दोनों सेम टर्म्स नहीं हैं. इन दोनों में डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वालिटी क्या होता है. क्वालिटी क्या है. क्वालिटी इज़ बीटिंग द रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स ऑफ कस्टमर इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लैग्स एंड सब्सटेंशियल वेरिएंट्स देयर आर स्टैंडर्ड्स नीड टू फॉलो टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. क्वालिटी जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स को मीट करना है ताकि उन्हें किसी भी तरह का डिफेक्ट्स लैग्स और सब्सटेंशियल वेरिएंट्स जो है वो पास ना हो. कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने हमें एक पार्ट बनाने के लिए बोला है और साथ में एक ड्राइंग प्रोवाइड की है. तो उसने कहा है कि मुझे ये जो पार्ट है वो मुझे इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग बना के दो. तो जो ड्राइंग में सभी स्पेसिफिकेशन जो साइज़ उसका जो उसके क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी लिखा हुआ है वो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी कस्टमर की. तो ड्राइंग कंप्लीट ड्राइंग ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है. अब डिस्कस करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है. क्वालिटी एश्योरेंस की शॉर्ट फॉर्म होती है QA. इसका मेन फोकस होता है डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना. इन फ्यूचर में आने वाले कोई भी डिफेक्ट्स जो कि हमारी प्रोसेस में डिफेक्ट्स आ सकते हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको पहले ही हमें डिफाइन करना और उनके ऊपर एक्शन लेना. क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये भी एश्योर करती है जो अप्रोचेस टेक्निक्स मेथड्स और प्रोसेसेस प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हमने प्रोसेस को डिज़ाइन किया है, मेथड्स को डिज़ाइन किया है, टेक्निक्स को अप्रोचेस को डिज़ाइन किया है वो सही तरह से इम्प्लीमेंटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं. क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ ये भी मॉनिटर और वेरीफाई करती है कि जो प्रोसेसेस को हमने प्रोडक्ट और डिलीवरेबल्स को मैनेज या क्रिएट करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है वो सही तरह से करेक्टली फॉलो हो रहे हैं और ऑपरेटिव हैं नेचर में या नहीं है. और ये भी क्वालिटी एश्योरेंस का वर्क है. क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रोएक्टिव प्रोसेस है और नेचर में प्रिवेंटिव होती है. तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है इसका मेन फोकस होता है प्रिवेंशन के ऊपर ताकि किसी भी तरह के इन फ्यूचर में किसी भी तरह के फ्लॉज या डिफेक्ट ना आए. इसका मेन जो फंक्शन होता है प्रोसेस में फ्लॉज को रिकॉग्नाइज करना होता है. क्वालिटी एश्योरेंस जो है क्वालिटी कंट्रोल से पहले होती है, मतलब कि जो क्वालिटी एश्योरेंस का वर्क है क्वालिटी कंट्रोल से पहले करना पड़ता है. अब डिस्कस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में. क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है. तो क्वालिटी कंट्रोल में दो वर्ड्स आते हैं, एक क्वालिटी एक कंट्रोल. क्वालिटी जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्वालिटी होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना. और कंट्रोल क्या होता है. कंट्रोल होता है रेगुलेशन. रेगुलेशन मीन टू से कि किसी भी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को कस्टमर के दिए गए स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना. अगर उन दोनों में कोई लार्ज डिफरेंस आता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेना. तो दोनों को मिला के क्या हुआ कि टू फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय मैचिंग द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन विद द स्टैंडर्ड्स एंड इफ़ देयर विल फाउंड एनी काइंड ऑफ लार्ज डिफरेंस देन वी हैव टू टेक द एक्शन ऑन इट. तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यही होता है. क्वालिटी कंट्रोल जो है उसे शॉर्ट फॉर्म में QC कहा जाता है. इसका मेन फोकस जो है डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और डिटेक्ट करना होता है कि कौन कौन से डिफेक्ट्स जो हैं प्रोडक्ट में आ रहे हैं. मेन इसका फोकस जो है प्रोडक्ट के ऊपर डिफेक्ट्स को ही आइडेंटिफाई करना होता है. क्वालिटी कंट्रोल जो है इंश्योर करता है जो भी अप्रोचेस टेक्निक्स मेथड्स और प्रोसेसेस को प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है वो सही तरह से फॉलो हो रहे हैं, करेक्टली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. क्वालिटी कंट्रोल की ये भी एक्टिविटीज़ होती हैं कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर और वेरीफाई करना ताकि वो सही तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रिएक्टिव अप्रोच है और डिटेक्टिव इन नेचर होती है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है उसका मेन फोकस होता है डिटेक्शन करना, मतलब कि डिफेक्ट्स को फाइंड करना.
उसके बाद आता है इसका मेन फोकस होता है डिफेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, और क्वालिटी कंट्रोल का जितना भी वर्क है क्वालिटी एश्योरेंस के बाद ही होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर